Hello viewers, welcome to the NN Tutes. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट एंड जावा दो डिफरेंट लैंग्वेज हैं। जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा एक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोनों के पर्पस डिफरेंट हैं, सिंटैक्सिस डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट यूज इसलिए होती है ताकि आपका जो वेबसाइट है उसको इंटरेक्टिव बनाया जा सके। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब हम एचटीएमएल कोड करते हैं तो वो कुछ यू होता है, ना कोई प्लेसमेंट्स हुई होती है, ना कोई शेप और साइज एनिमेशंस होती है, ना कोई मार्जिन थ्रेडिंग्स होती हैं। जस्ट जो हमने टाइप किया हुआ है मार्कअप लैंग्वेज में वो डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन जब हम उसमें सीएसएस ऐड करते हैं तो उनमें स्टाइल आ जाता है। हम मार्जिन ऐड करते हैं, फेडिंग ऐड करते हैं, हम एनिमेशंस करते हैं, हम उनको सर्कल साइज में जो है उनका शेप सर्कल बना देते हैं, तो हम उन पे स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो ये काम होता है सीएसएस, कास्केडिंग स्टाइल शीट। और जेएस जो कि होता है जावास्क्रिप्ट, वो इंटरेक्टिव बनाता है एचटीएमएल प्लस सीएसएस से जो भी आपने किया हुआ है। सो इन दिस केस जो अगर आप देख सकते हैं तो विदाउट जावास्क्रिप्ट ये इंटरेक्टिव नहीं है, ओनली एनिमेशन है, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट ऐड किया गया है सो ये इंटरेक्टिव बन गया है। अब आप देख सकते हैं ये मूव कर रहा है, जंप कर रहे हैं, ओके, इसके मज़ीद ये डिवाइड हो रहे हैं। सो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती है आपके पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बहुत ही ओके जी। तो जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपका दिमाग में या जहन में ये सवाल गूंज रहा है कि मैं जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ूं, तो मैं आपको यहाँ पे रीज़न पेश करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस ब्लॉग, जो टॉप 20 मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें जो जावास्क्रिप्ट है वो एक पहले नंबर पर है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न लाइफ ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक जो आपके पास वेबसाइट है उनमें जावास्क्रिप्ट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस विकीपीडिया, आप देख सकते हैं ये गूगल, सोशल मीडिया, वेब ब्राउजर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट सिर्फ यूज़ कर रही हैं, एचटीएमएल सीएसएस प्लस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल जावास्क्रिप्ट की बहुत डिमांड है। अगर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, अपना एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सो जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी। सो जावास्क्रिप्ट के बाद जब आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं आप मज़ीद चीज़ें सीख सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि जेक्वेरी, node.js। तो ये है कि इस वीडियो में जैसे मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है और इसका जो है आपके लाइफ में या मॉडर्न वर्ल्ड में रोल क्या है। हर एक वेबसाइट्स जो आपके पास आजकल नज़र आते हैं उनका रोल जावास्क्रिप्ट से होता है, और जो वेबसाइट्स में गेम्स होते हैं जिसकी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, ये भी थ्रू जावास्क्रिप्ट ही पॉसिबल होती है। सो अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की इसी तरह बेटर वीडियोस बना के दूंगा। अगले वीडियोस में कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं होगी बल्कि टेक्निकल वीडियो होगी जिसमें आपको मैं कोड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना पहला जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। सो अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में इसी तरीके से प्रोग्रामिंग रिलेटिव इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।